बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ टेस्ट ट्रांसमिशन के बुलेटिन में खुशामदे। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। एक नज़र डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत और इत्तेहादी जमात काफ लीग में दूरियां बढ़ने लगी। सानिहा साहिवाल पर स्पीकर की रूलिंग नजरअंदाज करने पर चौधरी परवेज इलाही नाराज। असेंबली इजलास छोड़कर इस्लामाबाद रवाना हो गए। कल वजीर आजम से मुलाकात का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट ने सानिहा साहिवाल की जीआईटी के सरबराह को रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। पुलिस मुकाबलों की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो हुआ जुल्म है, पुलिस को सीधी गोलियां मारने का इख्तियार नहीं। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को इस्लामाबाद तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार सानिहा साहिवाल की इब्तदाई रिपोर्ट से मुतालिक इमरान खान को आगाह करेंगे। जीआईटी के फोकल पर्सन और पुलिस इस्लाहात पर मुशावरत की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना आज सर जोड़ेगी। 17 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। 15 जनवरी के ईसीसी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सानिहा साहिवाल की तहकीकात से वजीर आजम को आगाह किया जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा, मुस्लिम लीग नून ने माजी से सबक नहीं सीखा। उन्होंने हमेशा ऐवान का माहौल खराब किया। कौमी असेंबली में कल जो किया वो उनकी पुरानी रविश है। नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। अहले खाना और पार्टी रहनुमा साबिक वजीर आजम से मिलेंगे। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर लीगी कारकुनान का कोर्ट लखपत जेल के बाहर एहतजाज। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ समेत 6 मुलजमान के जुडिशियल रिमांड में 15 रोज की तौसी। ओपोजिशन लीडर के मजीद राहदारी रिमांड के लिए जेल इंतजामिया ने दरखास्त जमा करा दी। आसिया बीबी केस एक बार फिर बड़ी अदालत में लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नजर सानी अपील समाप्त के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जनवरी को समाप्त करेगा। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाईकोर्ट बरहम। डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को 14 फरवरी को बुला लिया। जस्टिस नेमतुल्ला ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी दाखला को दस्तखत करने में तकलीफ होती है। अवाम इस निजाम से मायूस हो चुके। बसंत नहीं मनाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। सकाफती त्यौहार को मनाने से पहले हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। अदालत ने दरखास्त गुजार को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। कराची में स्कूल वैन्स ड्राइवरों की हट धर्मी। गैस सिलेंडर पर गाड़ियां चलाने की इजाजत ना मिली तो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले गए। वालदैन बच्चों को मोटरसाइकिलों और रिक्शों पर स्कूल लाने पर मजबूर। वेंजुएला सियासी बहरान का शिकार। ओपोजिशन लीडर ने खुद को उबूरी सदर करार दे दिया। अमेरिका का खैर मकदम। मौजूदा सदर के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पें। 13 अफराद हलाक हो गए। और लंबा कद मोहम्मद इरफान के लिए मुश्किल का बाइस बन गया। बांग्लादेश जाते हुए कौमी क्रिकेटर को इकोनॉमी क्लास की सीट पर बैठने में मुश्किलात का सामना। जहाज इंतजामिया ने बिजनेस क्लास में बैठा दिया। साथ ही खिलाड़ियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।